क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। महेंद्र सिंह धोनी जितने बड़े कप्तान हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने आरसीबी के खिलाफ मैच में इसे साबित भी करके दिखाया। धोनी अकेले ही आरसीबी से लड़ते रहे, आखिर तक मैच को अपनी मुट्ठी में बनाकर रखा, लेकिन आखिरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर दूसरी जगह क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और इस मैच में चेन्नई की हार हो गई। लेकिन चेन्नई की हार तो तय थी, वो धोनी ही थे जो सीएसके को जीत की दहलीज तक लेकर आए, मगर जब महान कोशिश के बाद भी जीत नहीं मिली तो धोनी मायूस हो गए, टूट गए, इमोशनल हो गए, यहाँ तक कि मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से हाथ तक नहीं मिलाया और धोनी के आंसू भी निकल आए और ऐसा पहली बार हुआ। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ चेन्नई की हार के बाद, आप धोनी के लिए कमेंट जरूर करें। आखिरी ओवर में जीत के लिए सीएसके को 26 रन बनाने थे और धोनी ने 5 बॉल पर 24 रन बना भी दिए, लेकिन आखिरी बॉल पर धोनी की टीम मैच हार गई। अब जैसे ही आखिरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर रन आउट हुए तो धोनी बेहद इमोशनल हो गए। आरसीबी की पूरी टीम मैदान में जश्न मना रही थी और धोनी चुपचाप वहां से ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिए। धोनी ने मैदान में किसी भी खिलाड़ी से हाथ तक नहीं मिलाया, न विराट कोहली की टीम से, न ही अपने खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर से। हाँ, बाद में डगआउट के पास जाकर पहले अपनी टीम के खिलाड़ियों से धोनी मिले और उसके बाद आरसीबी के खिलाड़ियों से भी धोनी मिले, लेकिन मैदान में धोनी आरसीबी के खिलाड़ी नहीं बल्कि शार्दुल ठाकुर तक से नहीं मिले। धोनी बेहद निराश थे क्योंकि इस पूरे सीजन में करीब करीब हर मैच में धोनी अकेले ही लड़ते दिख रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। माही अकेला लड़ता रहा और पूरी टीम तमाशा देखती रही और जब मैच के बाद धोनी से सवाल जवाब हुए तो वहां भी धोनी इमोशनल हो गए। धोनी ने साफ साफ कहा कि टॉप ऑर्डर पर प्रेशर नहीं होता और उन्हें रन बनाना चाहिए, हर बार छठे नंबर का खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता सकता। इस दौरान धोनी काफी इमोशनल हो गए थे, तो पहली बार धोनी इतना इमोशनल हुए। तो धोनी की इस महान पारी और इमोशनल अवतार पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।